जी, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक और खैरियत से जुम्मा सबको मुबारक। और नमाज पढ़िए, दुआ मांगिए सबके लिए, और इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल हो। तो आज फिलहाल जुम्मा भी, आपको पता है कि जुम्मे का हमने जुम्मा भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है, और साथ साथ हमें अपना काम भी करना है। तो जी, आज वैसे तो जुम्मा है और बच्चे भी हमारे स्कूल से आ चुके हैं, और बच्चे आ गए, उन्होंने फिलहाल अभी बिरयानी खाई है, थोड़ी सी मंगवाई थी मैंने, बिरयानी बच्चों को दे दी। उसके साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी, तो बस मैंने कहा चले हम साथ साथ काम भी करते हैं और साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया है, और लाइव बस भाई के साथ मस्ती कर रही है। तो बस और आज आपको हमारे टीवी की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है हमारा टीवी भी सही हो गया है। कल बुरी बात, मेरा बेटा आप चीखे मार रही हो ना, तो ले आएबा बस मस्तियाँ कर रही है और चीखे भी मार रही है। तो बस चले हम साथ साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ अपनी वीडियो भी बनाते हैं, और साथ साथ मैं अपना काम भी करती हूँ, और देखें मस्तियाँ हो रही हैं बच्चों की। तो बस मैं बस अभी सफाई कर रही थी, अभी मैंने सफाई की है और कमरे वगैरह साफ कर लिए मैंने, तो झाड़ू वगैरह अभी मैं लगा रही थी, तो मैंने बोला झाड़ू लग गया हमारा, तो अभी बस मैं व्लॉग भी साथ साथ स्टार्ट कर लूँ अपना। और बच्चे आज जल्दी आ गए थे, बच्चों ने भी फिलहाल खाना खाया, तो मैंने बोला चले हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं साथ साथ अपना, और खाना भी मैं बताऊँगी जल्दी से। तो बस जल्दी सारा काम करते हैं, फिर हम आपको अपनी सारा दिन की रूटीन देखना है। और आपने मेरी वीडियो जरूर देखनी है, लाइक करना, शेयर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आपने मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपना जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चले आइए। अच्छा जी, ये कपड़े हमारे दुल्हे में थे, अभी धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो मैंने बोला इसको मैं चारपाई पे रख देती हूँ थोड़े थोड़े कपड़ों को, ताकि ये ना हमारे इनको धूप लग जाए। तो बस ये कपड़े असल में लाइबा के भी है, इसमें चादरें भी हैं, तो बस इसको धूप में लगवा लूँ ताकि बाद में इसको फिर कवर करें। चलो जी, कपड़े रख दे। अच्छा जी, ये बोतल मैंने मंगवाई थी सुबह, पानी हमारा ख़त्म हो गया, तो चले मैं इसको अंदर लेके चलूँ। चलिए जी, अच्छा झाड़ू मैंने लगा लिया था, अभी यहाँ से कचरा उठाएं। गो चा चा, फिर लाइबा चाचा कर रही है। अच्छा मेरी लाइबा तो आज मामा को तंग भी नहीं ना कर रही, कितने आराम से भाइयों के साथ बैठी हुई है, है ना? आज लाइबा बहुत आराम से बैठी हुई है, क्योंकि आज तो ये टीवी भी देख रही है लाइबा, है ना? लाइबा टीवी देख रही है ना भाइयों के साथ बैठ के। ये देखो लाइबा ने गाजर खाई और इधर फेंक दिया, मेरा बेटा उठाओ ला, मुझे दो, मम्मा को दो। लाइबा बुरी बात, भाई बैठे हुए हैं ना, आप तंग नहीं करो, सुफियान आप सीधे हो जाओ मेरा बेटा, और आप तंग नहीं करो मेरा बेटा, आप उधर हो जाओ, उधर हो जाओ मेरी जान, आराम से टीवी देखो अपना। नहीं आप गिर जाओगी, गिर जाओगी लाइबा, नहीं करो मेरी जान, नहीं भाई को लग जाएगी, लग जाएगी भाई को, ला मामा को दो। ये देखे लाइबा की मस्ती है, कैसी हो रही है मस्ती है? क्या हो गया, आज हम क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, ये मैंने तोरी निकाली है, और आप यकीन नहीं करेंगे इतनी मिट्टी से भरी हुई है तोरी, और मिट्टी हो रही है, इसको मैं पहले काटूंगी नहीं, इसको पहले मैं धोऊंगी ताकि इसकी सारी जो मिट्टी है वो उतर जाए। इतनी सब्जी पे इतनी लगी होती है, वैसे तो सब्जियों को पानी देना चाहिए, लेकिन पता नहीं सब्जी को पानी इन्होंने लगाया ही नहीं लगाया, तो बस ऐसा हम इसको धोते हैं, फिर इसको काटते हैं। चले जी, अब मैं ऐसे इसको छिलूंगी, जल्दी जल्दी से हम छिलते हैं इसको।
अच्छा, ये छिलके बहुत नरम सी हो जाए, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं छिलूंगी। तो चलो, जब तक मैं इसको छिलती हूँ, मामा जी आज आप खाने में क्या बना रही है? सब्जी। सब्जी बना रही है। मामा ठीक, जी सब्जी सब्जी अच्छी आती है ना, सब्जी खानी चाहिए। जी हाँ, तो मैं जल्दी से सब्जी बना रही हूँ। आ रही है मम्मा। मम्मा ये धो लेना पतीली और ढक्कन। जी मम्मा जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया। बस इसको मैं हल्का सा बुनाई करके इसमें मैं थी तोरी डाल दूँ। अच्छा, ये मैं आपको एक इसकी बात बताऊँ, ये इसको पता नहीं तोरी बोलते हैं क्या, तुरोई बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अच्छा, ये फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ, ये मैंने खाना शुरू कब किया, ये मेरी शादी हुई, मैंने शादी के बाद खाना शुरू किया इसको। शादी से पहले ये हमारे घर में पकती नहीं थी, हमें नहीं पता होता था कि ये सब्ज़ी को क्या है, मतलब कैसी है, और ये हमारे घर में नहीं पकती थी। तो शादी के बाद जब मेरी शादी हुई कराची, तो मैं कराची आई, तो आपको पता है मेरे इधर खाते थे, मेरी सास वगैरह बनाती थी और यहाँ पे खाते थे। तो हमारे घर में तो नहीं पकती थी ना, अब्बू कभी लाए थे हमारे और अम्मी ने कभी बनाई नहीं थी, तो बस हमारे घर में नहीं बनती थी। तो कराची के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं कराची आई, तो फिर यहाँ पे बनती थी। और यहाँ पे जब मैंने खाना शुरू की तो माशाल्लाह इतनी मज़े की बनती थी, और अभी मैं बनाती हूँ इतने, अब मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो इसको गोश्त में बनाओ या किसी चिकन में बनाओ, तो आपको पता है सब्ज़ी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसको मसाले वाली बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही है कि हमारे घर में ये बिल्कुल नहीं बनती थी, हमें नहीं पता होता था कि सब्ज़ी इसको क्या बोलते हैं। वैसे मुझे अभी इसका नाम भी नहीं पता कि क्या नाम है इसका, इसको आप बताइए कि आप क्या बोलते हैं, तोरी बोलते हैं, तुरई बोलते हैं। वैसे तो मैं इसको तोरी बोलती हूँ, तोरी मुझे ज़रा आसान लफ्ज़ लगता है, तो मैं तो तोरी बोल देती हूँ। तो बस यही है कि अब मैं खाना शुरू हो गई हूँ। अब माशाल्लाह बनती भी बहुत मज़े की है, क्योंकि ये आपको पता है ये बन के फिर बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है, और साथ साथ जी मम्मा की जान, ये किसने तोड़ दी, किसने तोड़ी असलान? ये देखिए, अभी मैं ना इसको, मैंने बर्तन धोए थे, ये डोई मैंने अंदर धो के रखी है, और लाइबा अंदर से उठा के भाइयों को डराने आती है, और इसको भाइयों को डराने के चक्कर में ना नीचे इसने के ज़मीन पे मारी है, और ये देखिए डोई भी इसने तोड़ दी। अभी अभी मैंने धो के रखी थी नीचे किचन में आके इसी तरह। ये किसने तोड़ी है लाइबा, किसने तोड़ी है? भाई ने तोड़ी है। भाई किसने तोड़ी है असलान? आपको पता है आज जुम्मे है ना, चलो मेरा बेटा जल्दी से उधर जाके वजू करो और सतारा पर यासिन पढ़ो मेरा बेटा, ठीक है ना? चले चले लाइबा, ये आप फिर क्या निकाल के ले आई हो, दुपट्टा निकाल के? ये क्या है, ये रुमाल है ना, मुझे दो रुमाल, रुमाल दो मम्मा का, दो रुमाल छोने। अब आपने ये तोड़ दिया ना, अब ये कौन लेके आएगा? भाई, भाई तो बोल रहे आपने तोड़ी है, भाई, भाई आपने तोड़ी है ये असलान, ये आपने तोड़ी है? कितने मस्त हो रहे हैं, देखे हमारा टीवी सही हो गया और वह टीवी में मस्त हो रहे हैं। तो बस अभी वजू करो और जल्दी से मेरा बेटा आप नमाज पढ़ो। आपने असलान नमाज पढ़ने नहीं जाना? 2 बजे होती है, तो चलो मेरा बेटा जल्दी से अपने कपड़े निकालो, फौरन उठो मेरा बेटा और अपने कपड़े निकालो और नमाज के लिए जाओ। और मुन्ना आप भी मेरा बेटा उठो, आप अपना उधर जाके यासिन पढ़ो, यासिन पढ़ के और मुझे पानी दो, चलो ठीक है ना? चलो उठो मेरा बेटा जल्दी से, चलो आ जाओ लाइबा। अब हमने, अब ये पापा आएंगे ना, मैं पापा को दिखाऊंगी लाइबा ने ये तोड़ दिया, ठीक है ना? ठीक है ना? भाई ने नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा है। भाई ने नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा। पापा ने तो नहीं है, पापा तो है ही नहीं है, ये तो आपने तोड़ा है ना। चलो
चलो मैं जा रही हूँ अपनी, आपने कोई शैतानी करनी? देखे इसकी शैतानी देखे, मम्मा के साथ भी मस्तियाँ करती है ये, इसी तरह मम्मा के साथ भी मस्तियाँ होती हैं इसकी। लाइबा मैं डोगी को बुला लूँ बाहर से, और पापा की बेटी है और मम्मा की नहीं है, मम्मा की नहीं है, बताओ। देखे मोबाइल पे हाथ मार दिया, ऐसे ही करती है। नहीं अभी बंद हो जाएगा, चलो मैं जा रही हूँ अंदर। अच्छा जी, आज मैंने कंबल नहीं उठाए, मैंने इसी तरह कंबल इधर साइड पे करके ना मैंने तय लगा के रखती है, और चादर मैंने सही कर ली है बस। तो कमरा मैंने आज बिल्कुल, यानी कंबल को मैंने उसके कवर में नहीं रखा, इसी तरह मैंने तय लगा के साइड पे कर दिया है। चादर मैंने बिछा ली है, सही कर ली है। अब मुझे दो लाइबा, अब इसको तंग करो, आप इसको ख़राब करोगी लाइबा। मामा फिर आपकी पिटाई कर देगी। लाइबा कहाँ फेंका इसका ढक्कन, कहाँ फेंका आपने बताओ, कहाँ फेंका ढक्कन, कहाँ है इसका बताओ। देखो इसके अंदर हाथ नहीं मारो लाइबा, पूरे हाथ गंदे कर लियो, ढक्कन दो इसका, कहाँ है, कहाँ फेंका लाइबा ने ढक्कन। देखे अब ये हर चीज़ का ना नुकसान कर रही है, पहले इसने वो तोड़ दी, डोई को तोड़ दिया, अब वैसलीन निकाल लेती है, और कुर्सी भी देखे इसने कहाँ ऊपर चढ़ाई हुई है, इसी तरह कुर्सी जगह जगह रखती है, और फिर कुर्सी पे खड़े हो, ये पड़ा ये वो देखा, वो पड़ा था और आपने उधर फेंक दिया। तो बस ये जगह जगह ना चीज़ें निकाल के फिर फेंकती है इधर उधर। लाइबा नहीं करो मेरा बेटा। चलें जी, अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ बच्चों के साथ। लाइबा अलमारी को छोड़ दो, हाथ आ जाएगा उसके अंदर। असलान इसको देखो, बहन को इधर लेके आओ, हाथ आ जाएगा इसका, हाथ आ गया ना अंदर तो फिर पता वही हो जाएगा लाइबा को। बाहर निकालो इसको, इसको बाहर निकालो मेरा बेटा। लाइबा अलमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए लाइबा कहाँ बैठ गई है, मम्मा की गोदों में बैठ गई है। लाइबा इसको मैंने अपनी गोदों में बैठा लिया कि मेरी गोदों में बैठ जाए, यहाँ से उठेगी नहीं, ठीक है। कंबल ले लो, ऊपर कंबल ले लो, अब उठना नहीं यहाँ से, ठीक है ना मेरा बेटा। मम्मा की जान, टाटा। लाइबा की तीत कहाँ है, ये तीत है, और नोजी कहाँ है लाइबा की, नोजी कहाँ है? ओ अरे नोजी गंदी हो रही है लाइबा की गंदी। और आइस कहाँ है लाइबा की, आइस कहाँ है, ये आइस है। मो चलो मेरी जान को सब कुछ पता है, मम मेरी चोनों को सब कुछ पता है। और आपकी फिंगर कहाँ है, फिंगर ये तो हेड्स है, ये तो आपके बाल है, आपकी फिंगर कहाँ है? मम्मा ने आपको समझाया था ना क्या है, मम्मा ने आपको याद कराया हुआ है ना। देख लाइबा को देखे मैंने बिल्कुल अपने अंदर लटाया हुआ, लाइबा यहाँ से नहीं उठेगी, और मम्मा ने इसको जोर दिशे पकड़ लिया, मम्मा ने जोर दिशे पकड़ लिया, लाइबा को मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना, नहीं छोड़ूंगी ना। लाइबा को मैंने बंद कर दिया, लाइबा नहीं यहाँ से उठेगी। इस कार्टून में आपका क्या आ रहा है, आप कार्टून में इतने मस्त हो रहे हो, आज तो देख रहे हो, लेकिन क्या है ये कार्टून, कैसे हैं, क्या नाम है इसका कार्टून का, नजर नहीं आ रहा, कितना छोटा सा, ये मिक्की माउस। मिक्की माउस कहाँ से आ गया, ये मिक्की माउस थोड़ी है, मिक्की माउस नहीं है ये कोई दूसरा ही चैनल लग रहा है, ये सोनी एक्स पे आते हैं ये। तुम लोग पहले ना, आप लोग पहले डोरेमोन देखते थे, अब वो चला गया तो अब आप ये देखना शुरू हो गए। जी मम्मा की जान, जी मम्मा की जान, जी मम्मा की जान, जी मम्मा की जान। लाइबा को मैंने पकड़ लिया, लाइबा यहाँ से नहीं उठेगी, ठीक है ना, लाइबा यहाँ से नहीं उठेगी। लाइबा के बाल बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, यहाँ पे लाइबा के बाल सेट हो रहे हैं, फिर लाइबा भी आराम से बाल सेट करेगी अपने। लाइबा खाना खाओगी, खाना खाना है मामा, क्या खाना है आपने,
खाना खा ले। लाइवा को अपने पास ही बैठाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, लाइवा मस्ती करो। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा। और चले फिर, इजाज़त दीजिएगा, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चले फिर, और हम अभी मैं बनाऊँगी रोटी बनाऊँगी बच्चों के लिए, और साथ साथ बस जल्दी से खाना मेरा तैयार हो गया और मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो चले फिर, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चले फिर, अल्लाह हाफिज़, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा, अल्लाह हाफिज़।